खुशी कौन नहीं चाहता, लेकिन किस कीमत पर? धूम्रपान महंगा पड़ता है। धूम्रपान आपके लिए हानिकारक है और आपके चाहने वालों के लिए भी। धूम्रपान पड़ेगा महंगा। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस, मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस, किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है। और गाइस, मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस, इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस, काफ़ी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक। और गाइस, इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस, इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस, इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस, ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को। और गाइस, ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस, बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस, आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का। और गाइस, इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का। और गाइस, जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का। और गाइस, जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का। और गाइस, इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का। और गाइस, इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का। और गाइस, इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का। और गाइस, इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस, मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं, आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस, इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस, इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे। और गाइस, जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू। और गाइस, जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस, आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस, अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस, इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस, आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस, वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस, अगर आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस आईएमडीबी रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस, अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस, चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को। और गाइस, जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस, चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज में। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस, मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा। और गाइस, मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस, मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस, मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस, किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है। और गाइस, मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस, इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस, काफ़ी कुछ। तो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक। और गाइस, इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस, चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस, इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित
और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस आईएमडीबी रेटिंग काफी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और
और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।
हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए, और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे, और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए, और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है
है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइज इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइज जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइज जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइज इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइज इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइज इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइज इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइज मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आप बोर नहीं होंगे और गाइज आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम
इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आप बोर नहीं होंगे और गाइज आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइज जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज़ ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज़ ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा
और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस आईएमडीबी रेटिंग काफी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहां पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है
जीते ये लम्हे, और गई जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गई जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गई आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गई सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गई चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गई अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गई इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गई काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गई आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गई कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गई वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गई अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गई IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गई मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गई आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गई अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गई आप बोर नहीं होंगे और गई आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गई चलिए आप मूवी देखिए और गई मूवी का आनंद लीजिए और गई अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गई जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गई चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस आईएमडीबी रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो
19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णादेव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णादेव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम
इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आप बोर नहीं होंगे और गाइज आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइज जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस आईएमडीबी रेटिंग काफी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहां पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है
बीते ये लम्हे, और गई जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गई जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गई आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गई सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गई चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गई अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गई इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गई काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गई आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गई कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गई वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गई अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गई IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गई मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि गई आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गई अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गई आप बोर नहीं होंगे और गई आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गई चलिए आप मूवी देखिए और गई मूवी का आनंद लीजिए और गई अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गई जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गई चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो हैं कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गई जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गई जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गई आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गई सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गई चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गई अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गई इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गई काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गई आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गई कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गई वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गई अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस IMDb रेटिंग काफी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है
19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विक्की का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विक्की का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम
इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आप बोर नहीं होंगे और गाइज आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइज जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज़ ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूज़िक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूज़िक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज़ की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज़ हैं वो हैं आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज़ हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज़ ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस आईएमडीबी रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज़ ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीत
बीते ये लम्हे, और गई जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गई जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गई आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गई सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गई चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गई अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गई इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गई काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गई आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गई कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गई वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गई अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गई IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गई मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गई आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गई अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गई आप बोर नहीं होंगे और गई आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गई चलिए आप मूवी देखिए और गई मूवी का आनंद लीजिए और गई अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गई जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गई चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहां पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस आईएमडीबी रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो है
19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम
इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आप बोर नहीं होंगे और गाइज आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइज जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस आईएमडीबी रेटिंग काफी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहां पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है
बीते ये लम्हे। और गई जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गई जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गई आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गई सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गई चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गई अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गई इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गई काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गई आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गई कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गई वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गई अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गई IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गई मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गई आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गई अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गई आप बोर नहीं होंगे और गई आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गई चलिए आप मूवी देखिए और गई मूवी का आनंद लीजिए और गई अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गई जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गई चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गई जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गई जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गई आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गई सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गई चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गई अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गई इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गई काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गई आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गई कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गई वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गई अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस आईएमडीबी रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो है आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है
19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइज इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइज जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइज जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइज इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइज इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइज इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है ईशा का, और गाइज इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइज इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइज मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइज आप मूवी देखिए और गाइज मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइज इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइज इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइज जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइज जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइज आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइज सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइज चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइज अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइज इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइज काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइज आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइज की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइज वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइज अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आप बोर नहीं होंगे और गाइज आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइज जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस की मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम
इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आप बोर नहीं होंगे और गाइज आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइज जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज़ ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज़ ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस आईएमडीबी रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज़ ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पे कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पे जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है
जीते ये लम्हे, और गई जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गई जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गई आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गई सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गई चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गई अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गई इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गई काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गई आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गई कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गई वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गई अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गई IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गई मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गई आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गई अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गई आप बोर नहीं होंगे और गई आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गई चलिए आप मूवी देखिए और गई मूवी का आनंद लीजिए और गई अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गई जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गई चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें, तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से।
तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू। और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस आईएमडीबी रेटिंग काफी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहां पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेलीफिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है
19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा, और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा YouTube कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू, और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा लिखी गई है, और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में, और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में, और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णादेव याग्निक, और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णादेव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की, तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को, और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम
इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइज IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगा कि गाइज आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइज अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइज आप बोर नहीं होंगे और गाइज आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइज चलिए आप मूवी देखिए और गाइज मूवी का आनंद लीजिए और गाइज अच्छे जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइज जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइज चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की IMDb रेटिंग की तो गाइस इस मूवी को IMDb पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग जो कि गाइस काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में तो गाइस अगर IMDb रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस IMDb रेटिंग काफ़ी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हे गाइस आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल थंडर व्यूज़ में। तो गाइस आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे डेज ऑफ तफरी मूवी के बारे में। तो गाइस मैं आपको यहाँ पे मूवी का रिव्यू दूंगा और गाइस मूवी का रिव्यू स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि गाइस मैं यहाँ पे पूरी मूवी अपलोड नहीं कर पाऊंगा यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइंस की वजह से। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का रिव्यू और गाइस मैं आपको बताता हूँ इस मूवी के बारे में कि गाइस किसने इस मूवी को डायरेक्ट किया है और किसने प्रोड्यूस किया है और किसके द्वारा ये लिखी गई है और गाइस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में और गाइस इस मूवी की कास्ट के बारे में और गाइस काफ़ी कुछ। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है कृष्णा देव याग्निक और गाइस इस मूवी को लिखा गया है कृष्णा देव याग्निक के द्वारा। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के प्रोड्यूसर्स के बारे में। तो गाइस इस मूवी के जो प्रोड्यूसर्स हैं वो हैं आनंद पंडित और रश्मि शर्मा और पवन कुमार। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के स्टारिंग रोल की तो गाइस इस मूवी के स्टारिंग रोल में आपको देखने के लिए मिलेंगे यश सोनी और अंश बागरी और संजय गोस्वामी और निमिषा मेहता और किंजल राजप्रिया और सर्वजीत बिंद्रा और अनुराधा मुखर्जी और ममता चौधरी।
तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के म्यूजिक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर जो म्यूजिक दिया है वो दिया है सचिन जिगर ने। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनीज की। तो गाइस इस मूवी की जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं वो है आनंद पंडित मोशन पिक्चर्स और रश्मि शर्मा टेली फिल्म्स। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की रिलीजिंग डेट के बारे में। तो गाइस ये मूवी रिलीज हुई है 23 सितंबर 2016 को और गाइस ये मूवी इंडिया की हिंदी लैंग्वेज की मूवी है। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। तो गाइस बॉक्स ऑफिस पर जो इस मूवी ने कमाई की है वो की है 19.8 करोड़ रुपए की। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की कास्ट के बारे में। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो यश सोनी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं निखिल का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अंश बागरी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं विकी का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर संजय गोस्वामी है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं सुरेश का, और गाइस जो इस मूवी के अंदर निमिषा मेहता है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है पूजा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो काजल राजप्रिया है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है निशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो सर्वजीत बिंद्रा है वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रहे हैं धुला का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो अनिरुद्ध मुखर्जी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही हैं ईशा का, और गाइस इस मूवी के अंदर जो ममता चौधरी हैं वो गाइस इस मूवी के अंदर रोल निभा रही है वंदना का। तो गाइस मैंने जो आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं आप इनको अच्छे से जानने के लिए गाइस आप मूवी देखिए और गाइस मूवी की स्टोरी को अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी के साउंड ट्रैक की, तो गाइस इस मूवी के अंदर टोटल 3 सॉन्ग्स हैं। तो गाइस इस मूवी के अंदर जो पहला सॉन्ग है वो है जीते ये लम्हे, और गाइस जो इस मूवी का दूसरा सॉन्ग है वो है मैं हूँ ही तू, और गाइस जो इस मूवी का तीसरा और आखिरी सॉन्ग है वो है परप्पा। तो गाइस आप इस मूवी के सॉन्ग सुनिए और गाइस सॉन्ग्स का आनंद लीजिए। तो गाइस चलिए अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग के बारे में। तो गाइस अगर हम बात करें यहाँ पे इस मूवी की आईएमडीबी रेटिंग की, तो गाइस इस मूवी को आईएमडीबी पर मिले हैं 10 में से 6.8 की रेटिंग, जो कि गाइस काफी अच्छी खासी रेटिंग है। तो गाइस आप इससे खुद अंदाजा लगा सकते हैं गाइस कि मूवी की स्टोरी कैसी होगी। तो गाइस वैसे अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं इस मूवी की मतलब स्टोरी के बारे में, तो गाइस अगर आईएमडीबी रेटिंग के हिसाब से हम इस मूवी की स्टोरी को देखें तो गाइस आईएमडीबी रेटिंग काफी अच्छी खासी है इस मूवी की। तो गाइस मैं आपको यहां पे यही सजेस्ट करूंगा कि गाइस आप एक बार इस मूवी को जरूर देखें। तो गाइस अगर आप इस मूवी को देखेंगे तो गाइस आप बोर नहीं होंगे और गाइस आपका अच्छे से टाइम पास हो जाएगा। तो गाइस चलिए आप मूवी देखिए और गाइस मूवी का आनंद लीजिए और गाइस अच्छे से जानिए इस मूवी की स्टोरी को, और गाइस जो मैंने आपको इस मूवी के अंदर किरदार बताए हैं उनको अच्छे से जानिए। तो गाइस चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।